हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इस समय शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सारे कुछ बंद चल रहे हैं, फिर भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग घर पर अच्छे से अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आइए, आज मैं सभी छात्रों के आह्वान पर कक्षा 11 का फिजिक्स, इसका पहला पार्ट जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको हम लोग भौतिक जगत के नाम से जानते हैं, उसी की हम शुरुआत करते हैं। ये फिजिक्स का क्लास 11th का प्रथम पार्ट है। मैं सबसे पहले आपको इस पार्ट का पाठ्यक्रम बता दूं, इस पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमारा पाठ्यक्रम है जिसमें पहली चर्चा हमको करनी है भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। दूसरा आइटम है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, यानी फिजिक्स कहाँ कहाँ कार्य करता है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों में ये लागू होता है, और इससे जुड़ी हुई जो रहस्यमय चीजें हैं, रोमांच है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है भौतिकी में मूल बल, जो फंडामेंटल फोर्स है फिजिक्स में, वो क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला है मूल बलों के एकीकरण की ओर। मूल बलों, जितने भी फोर्स हम लोग जानते हैं जो नेचर में अवेलेबल है, उनका हम लोग एकीकरण करेंगे, अर्थात सभी बलों को किसी एक बल की तरफ मोड़ करके हम इसको समाहित करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है भौतिक नियमों की प्रकृति, जो हमारे फिजिक्स के रूल्स हैं उसका नेचर क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला है भौतिकी प्रौद्योगिकी और समाज, फिजिक्स का हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, हमारे दैनिक जीवन में, समाज में क्या यूज है, उससे हमारा जीवन कैसा होगा, कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है। छोटी कक्षाओं में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लास 9th 10th हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स के बारे में, जिसकी तो तीन शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान। विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और रसायन के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। चूँकि हाई स्कूल के बाद जो हमारा 11th का सिलेबस है, वो हमको किसी विशेष क्षेत्र में ले जाता है, अब हम फिजिक्स को एक अच्छे वे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग पुनः एक बार फिजिक्स की परिभाषा पर पहुंचेंगे, इसको बढ़िया से अध्ययन करेंगे, फिजिक्स होता क्या है। देखिए, फिजिक्स हिंदी में हम इसको भौतिकी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक शब्द से हुई है, जिसको फ्यूसिस, फिजिक्स को ग्रीक में फ्यूसिस के नाम से जानते हैं, और फ्यूसिस से ही उत्पन्न हुआ है। फ्यूसिस को का जो सही अर्थ है वो नेचर से लगाया गया, फ्यूसिस का मतलब प्रकृति, नेचर से इसका अर्थ लगाया गया। तो फिजिक्स जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो प्रकृति से संबंधित है, नेचर से रिलेट करता है। इसी तरह संस्कृत भाषा में फिजिक्स को प्राकृतिक चीज के बारे में बताया गया, मतलब फिजिक्स का रिलेशन प्राकृतिक चीजों से है, ये संस्कृत शास्त्रों में भी बताया गया है, और इसी के आधार पर इसकी परिभाषा भी थोड़ा डिफाइन की गई है कि फिजिक्स प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। ये संस्कृत शास्त्रों में ऐसा चर्चा किया गया है कि फिजिक्स है क्या, तो ये प्रकृति का अध्ययन है और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। थोड़ा सा इसको और डिफाइन किया जाए तीसरे शब्दों में, तो वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया गया है, जो हम लोग लगभग चल रहे इस समय, उसमें बताया गया है कि प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। जो भी हमारी प्रकृति है उसमें मटेरियल है और एनर्जी है, मैटर और एनर्जी से मिलकर पूरी प्रकृति बनी हुई है। मैटर और एनर्जी के बारे में हम लोग जान भी चुके हैं छोटे कक्षाओं में, मैटर हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है, द्रव्य जिसको कहते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। एनर्जी के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, एनर्जी क्या होती है,
एनर्जी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब उस वस्तु में एनर्जी अवेलेबल है, उसमें एनर्जी है। अब थोड़ा सा इसी को, पहले समय में ऐसा माना जाता है कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। ये 20वीं शताब्दी के बहुत पहले, जब 20वीं शताब्दी आ गई तो एक साइंस्टीन आए, आइंस्टीन का नाम हम लोग सुने हैं। उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया दोनों को समाहित करके, और उन्होंने तमाम प्रैक्टिकल के बाद, तमाम प्रयोगों के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और उनका कहना यह था कि द्रव्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को हम द्रव्य में बदल सकते हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत गहनता से जुड़ी हुई हैं। और इसके आधार पर इन्होंने अपना एक सूत्र भी इस्टेब्लिश किया, जिसको हम लोग पढ़े हैं, E=mc². इन्होंने ये बताया कि मास को हम एनर्जी में इस फार्मूले के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ एनर्जी को मास में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ E होती है एनर्जी, M होता है वस्तु का द्रव्यमान, और C होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तो ये फार्मूला इन्होंने इस्टेब्लिश किया और इस फार्मूले को हम लोग आज यूज करते हैं, इसकी उपयोगिता को समझते हैं। और यही वो फार्मूला है जो आइंस्टीन साहब ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिया था, और एनर्जी और मास में इन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अब थोड़ा सा हम फिजिक्स की परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हुए इन तीनों बातों से हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए, वास्तव में फिजिक्स है क्या। तो भौतिकी नवीनतम, इसकी जो नवीनतम परिभाषा दी गई, जो हम लोग मॉडर्न टाइम में पढ़ रहे हैं, इसका जो न्यू डेफिनेशन है, वही बताया गया कि फिजिक्स द्रव्य ऊर्जा एवं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है। फिजिक्स में हम मैटर की, इनर्जी की और उनसे जुड़ी हुई तमाम परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, पारस्परिक उनके संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये फिजिक्स की न्यूनतम परिभाषा है, नवीनतम परिभाषा फिजिक्स की ये है कि फिजिक्स में द्रव्य और एनर्जी का और उनसे जुड़ी हुई तमाम तरह की अन्योन्य क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। स्थूल एवं सूक्ष्म द्रव्यों द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का रहस्य बताया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिजिक्स में। फिजिक्स करता क्या है, चाहे वो बहुत बड़े स्तर पर बात करें, चाहे छोटे स्तर पर बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड दो तरह के लेवल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। तो इन दोनों लेवल पर अगर हम बात करते हैं, बड़े स्तर पर और बहुत छोटे स्तर पर हम बात करते हैं, यह होता है स्थूल और ये होता है सूक्ष्म। स्थूल रूप में बात करें या सूक्ष्म में बात करें, कहने का मतलब किसी चीज को हम बड़े स्तर पर बात करते हैं या छोटे स्तर पर बात करते हैं, तो इसके आधार पर ये बताया गया कि फिजिक्स जो है प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक रहस्यों को खोलता है, प्राकृतिक रहस्यों के बारे में सूचना देता है, जानकारी देता है, प्राकृतिक रहस्यों को हमारे सामने खोल करके रख देता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाना शुरू कर दिए तो वो जो है स्पेस यान के माध्यम से जाते थे, अंतरिक्ष यान में बैठ करके वहाँ पहुँचे थे। तो जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में पहुँचे और उसके माध्यम से चंद्रमा पर गए, तो उनको रास्ते में ऐसा पता लगा कि जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में बैठता है तो उसको वेटलेस महसूस होता है, यानी उसको भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। फिर बाद में वैज्ञानिक जब रिटर्न हुए तो उस पर शोध किए, उसको खोजे, तो उनको पता चला कि हाँ ये बात सही बात है, और एक तथ्य निकाले, फार्मूला इस्टेब्लिश किए जिसके आधार पर प्रूफ किए कि वास्तव में स्थितियाँ होती है, जब भी कोई अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, स्पेस में चक्कर लगाता है पृथ्वी का, उसके अंदर जो भी बॉडी स्थित होती है यान के अंदर, उस पर वेटलेस की स्थिति आती है, भारहीनता की स्थिति महसूस होती है, उस चीज़ को बाद में रहस्य खोजा गया। छोटे स्तर पर हम बात करें, जैसे पानी गर्म होता है, हम उसमें उंगली को डालते हैं तो हमारा उंगली जो है जल जाता है। अब एक स्थिति की बात करें कि किस दशा में हमारी उंगली असहनीय हो जाती है, हमारी उंगली
किस दशा में ज़्यादा हमको गर्मी महसूस होती है, ज़्यादा उष्मा महसूस होता है, तो उसको धीरे धीरे वैज्ञानिक जो है शोध करके उसका टेम्परेचर मीटर बनाया, टेम्परेचर मीटर बना करके उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है कि 100 डिग्री सेल्सियस जब आ जाता है पानी का टेम्परेचर तब वो खौलने लगता है, जब 100 से कम रहता है तो खौलता नहीं है। तो वैज्ञानिक करते क्या है, फिजिक्स में होता क्या है कि हम हमारे सामने प्रकृति में सारी घटनाएं हो रही है लेकिन हम उसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, हमें ठंडी क्यों लगती है, प्रकृति हमको गर्मी देती है, एटमॉस्फेयर से हम हीट पाते हैं, हम ठंडी पाते हैं, हमारे शरीर में ठंडा लगता है, लेकिन किस टेम्परेचर तक हम उस ठंड को महसूस कर सकते हैं, उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं, इसको मशीन के माध्यम से, टेम्परेचर मीटर के माध्यम से इसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। बर्फ जमता है, पानी जम करके बर्फ बन जाता है, किस टेम्परेचर पर बनता है इसको साइंटिस्ट पता लगाते हैं, लेकिन घटनाएं तो सब प्रकृति करती है, सारी घटनाएं प्रकृति में होती हैं, इन्हीं घटनाओं को जान करके हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से इस चीज़ को करते हैं। तो फिजिक्स में मेन परिभाषा पर हम आ जाए, फिजिक्स में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति के अंदर जो भी रहस्य विद्यमान है उनको स्पष्ट रूप से सामने लाया जाता है, उनके बारे में तमाम सूत्र फार्मूले अध्ययन करके फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक रहा कि फिजिक्स क्या है, वैसे छोटी कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि किसी घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान की परिभाषा है। यहाँ मैं आपको फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ, फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। तो भौतिकी जो है प्रकृति के बारे में अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन और उनके बीच जो अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं, प्राकृतिक जो घटनाएँ होती हैं, जो प्राकृतिक रहस्य हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इसी को फिजिक्स की परिभाषा में शामिल किया गया है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। चलिए इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें, ये कक्षा 11 के बच्चों का प्रथम पाठ है और प्रथम टॉपिक है, इसको अभी शुरू किया जा रहा है। आप लोग कलम कॉपी के साथ बैठेंगे और बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको नोट भी करते चलेंगे ताकि आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ये जो मैं आपकी पढ़ाई हो रही है वो बालाजी पुस्तक से की जा रही है, तो आप धीरे धीरे पुस्तक की भी व्यवस्था कर लेंगे, आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। जनरली मेरा जो डिस्कशन होगा वो बालाजी पुस्तक से होगा और उसी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं प्रयास करूंगा, चाहूंगा कि आप भी उसी से पढ़ें। तो इस नोट को आप अच्छे से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे अगली हेडिंग पर चलते हैं। आइए इसके बाद हम लोग इसका दूसरा आइटम देखते हैं, इसका जो दूसरा आइटम है वो है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। तो भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ फिजिक्स हमारा इन्वॉल्व है और उससे क्या रहस्य सामने आ रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने लिख दिया है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, क्या इसका स्कोप है, कार्य क्षेत्र क्या है, और एक्साइटमेंट का मतलब होता है रोमांच, क्या चीज़ें उससे हम अच्छी बुरी प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए लाभकारी है उसका हम अध्ययन करेंगे, हमारी हेडिंग है। अब देखिए कार्यक्षेत्र को हम लोग दो आधार पर कैटेगराइज किए हैं, एक हमारा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बड़े स्तर पर और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटे स्तर पर। छोटे स्तर का मतलब किसी चीज़ को हम एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल के पर देखने का मतलब ये है कि जैसे हम परमाणु का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बारे में, उनकी गतियों के बारे में, उनके अंदर जो भी क्रियाकलाप उनके बारे में, मतलब इसको हम लोग एक तरह से माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और बाकी माइक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े स्तर पर जहां हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, व्यवहारिक भाषा में ऐसे समझते हैं, जैसे हमारी इसके अंतर्गत 4-5 शाखाएँ आती हैं जिसमें हमारा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है, हिंदी में हम लोग यांत्रिकी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग किसी
पिंड का, किसी कण का, उसके गति का, उस पर क्या फोर्स यूज हो रहा है, उसमें क्या लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग क्या है, उसके साथ क्या एनर्जी जुड़ी हुई है, जो हम लोग स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, तमाम तरह की ऊर्जा की बात करते हैं, किसी कण के साथ, किसी द्रव्यमान के साथ, जैसे हमारी रेलगाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलता है, साइकिल चलता है, तो ये सब हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो गया। इसमें हमारी यांत्रिकी आती है। यांत्रिकी में हम लोग विशेष करके गतियों का अध्ययन करते हैं, यंत्रों की गतियों का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा ऊष्मा गतिकी, जिसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स जानते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा से संबंधित, टेम्परेचर से संबंधित, टेम्परेचर ताप से संबंधित, ऊष्मा से संबंधित, ऊष्मा का ट्रांसफर, ऊष्मा को कार्य को ऊष्मा में कैसे स्थानांतरित किया जाता है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये एक्चुअली गतिक अवस्था में ना होकर के स्थिर अवस्था में, ये सब संतुलन, स्थिर संतुलन की अवस्था में ये सब हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर दोलन तथा तरंग, तीसरा आइटम हमारा है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपने देखा होगा जो तरंगा होती हैं, जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ एक तरंग बनती है, एक वेव्स जनरेट होती है, वेव्स का एक विक्षोभ आगे बढ़ता है, तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि विक्षोभ का क्या चाल है, उसमें कितनी एनर्जी है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे तरंग से संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो भी हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आता है, चूँकि वो चीज़ें सारी हमको आँख से दिखती हैं। हम किसी डोरी में कंपन ऐसे जनरेट करते हैं तो हमको आँख से खुद दिखता है, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मानते हैं। फिर अगला है प्रकाश। प्रकाश का अध्ययन, हमारी आँख प्रकाश के लिए सेंसिटिव है, सारी काम हम लोग अपनी आँख से करते हैं और आँख जो है प्रकाश के लिए सेंसिटिव है, तो हम आँख से हर चीज़ें दिखती हैं, हम खुद देख लेते हैं, किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है हमें आपको देखना, हमें कोई चीज़ देखना है, हाथ में कलम देखना है, जेब में पैसा देखना, हम खुद देख रहे हैं, तो खुद देखने का मतलब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम कर सकते हैं। इसके बाद आइए विद्युत गति की बात करें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेश स्थिर अवस्था में, आवेश गतिक अवस्था में, तो आवेशों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ये भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही काम कर लेते हैं। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं फिजिक्स में, उसमें एक आता है एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। आइए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी हमारा तत्व होता है उसका हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि इसमें परमाणु के बीचों बीच भाग में एटम है, किसी तत्व का अगर एटम लिया जाए तो इसके बीचों बीच भाग में एक न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक कहते हैं, नाभिक न्यूक्लियस। और नाभिक के बाहरी कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करते हैं, घूमते रहते हैं, ये विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नाभिक के बाहर, जैसे हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है, कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की गतियों का अध्ययन हम लोग, इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी कैसे एसोसिएट होती है, एनर्जी कैसे जुड़ी हुई है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में एनर्जी को लेकर के और कूदता है तो उसमें क्या एनर्जी लेता है, कैसे उसका मोशन होता है, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। मतलब नाभिक के बाहर जो भी अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रॉन की गति का, वो एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आइए न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नाभिक के अंदर होने वाली घटनाओं, जो हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है, नाभिक से अल्फा कण बाहर निकलते हैं, बीटा कण बाहर निकलते हैं, गामा कण बाहर निकलते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन हम लोग ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। और ये दोनों अध्ययन हम लोगों को किसी यंत्र के माध्यम से करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से करना पड़ता है, छोटे स्तर पर करना है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है, जिसमें दो फिजिक्स आते हैं, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो हमारा फिजिक्स रहा है इसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग ये यांत्रिकी ऊष्मागतिकी आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा दूसरा हेडिंग रहा
क्या क्या हमारा स्कोप है फिजिक्स का, क्या उसके साथ एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ है, क्या रोमांच है, तो इसको हम लोग दो आधार पर अध्ययन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बस दो ही फिजिक्स हमारा बना हुआ है, एक एटॉमिक फिजिक्स, एक न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाभिक के बाहर का अध्ययन होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिक के अंदर का अध्ययन होता है। बाकी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फिजिक्स हमारा बना है उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, ऑसिलेशन एंड वेव्स का, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रो डायनेमिक्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए तो ये हमारा हो गया स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। दूसरा आइटम हम लोग समाप्त किए अभी, अब इसके बाद हम तीसरे आइटम की बात करते हैं, भौतिकी में फंडामेंटल फोर्स क्या, मूल बल। तो बलों के बारे में आपने पढ़ा है, क्लास छोटी कक्षा से ही पढ़ते आए हैं बल क्या होता है। बल हम जानते हैं, बल की परिभाषा दी जाती है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ये तो बल की परिभाषा है। अब बल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी आपने क्लास नाइन्थ में अध्ययन किया है, उसमें आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंथ में आपने देखा है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, जिसमें आवेश का अध्ययन, विभव का अध्ययन हम लोग किए हैं चैप्टर में। तो हमारे पास जनरली जो फोर्सेस होते हैं प्रकृति में, जो फंडामेंटल फोर्स हैं वो चार कैटेगरी उनकी बनाई गई है। वो चारों कैटेगरी कौन कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने नाइन्थ में अध्ययन किया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उसमें बताया गया है कि न्यूटन साहब ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अगर दो मास हैं, दो पिंड हैं, वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, वृत्तीय मोशन करती है। तो ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। कोई भी वस्तु जब हम ऐसे छोड़ते हैं तो नीचे जाती है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल में आप अभी पढ़ेंगे इसको, अभी बहुत अच्छे से इसको आपने पढ़ा नहीं है छोटी क्लास में, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। जब कोई आवेश मोशन करता है, कोई आवेश गति करता है, तो उसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है जिसको विद्युत बल कहते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है जिसको चुंबकीय बल कहते हैं। इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय बल जनरेट होने के लिए सोर्स क्या है कि जब कोई आवेश गति करता है तो दोनों तरह के बल एक साथ जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय बल दोनों को मिला दिया जाए, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये एसोसिएट होता है आवेशों के लिए, जब आवेश रहेंगे तभी ये फोर्स जनरेट होगा, आवेश नहीं है तो फिर ये फोर्स जनरेट नहीं होता। अब आइए तीसरी बात करें न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स में यही एटॉमिक फिजिक्स जो आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियर फोर्स का अध्ययन करते हैं। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग उस फोर्स को हम लोग नाभिकीय बल के नाम से, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल पाता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बने रहते हैं, इसीलिए नाभिक भारी होता है। नाभिक का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो वेट होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, मतलब पूरे परमाणु की तुलना, अगर इलेक्ट्रॉन की बात ना करें, पूरे एटम की बात करें, तो पूरे एटम की तुलना में जो नाभिक होता है छोटा सा, वो काफ़ी भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग आपस में बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में, एटम के बाहर बाहरी कक्षा में जो रोटेट करते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। तो इसीलिए नाभिक भारी भी होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। यह फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स है जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगता है।
अब आइए वीक फोर्स की बात करें। वीक फोर्स इसको हम लोग दुर्बल बल कहते हैं। दुर्बल बल क्या कहाँ होता है? तो दुर्बल बल का एक रेंज भी बताया गया कि ये बल भी नाभिक में नाभिक के अंदर ही ये भी यूज होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेंज की बात की गई कि दुर्बल बलों का जो रेंज होता है 10^-16 मीटर। वीक फोर्स लगने के लिए जरूरी है कि दो चीजों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो दो चीजें हैं, जैसे एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, ऐसी दशा में वीक फोर्स काम करते हैं। यहाँ वीक फोर्स काम करता है और वीक फोर्स के लिए जो दूरी होनी चाहिए वो दूरी होती है 10^-16 मीटर। थोड़ा सा इस चीज को मैं और एक दूसरे सूत्र के माध्यम से भी बताना चाहूंगा फोर्स के बारे में। ये सबसे पहले हम आते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स पर। इलेक्ट्रिक फोर्स में आपने सुना होगा कुलाम साहब ने अपना एक नियम बनाया के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। कुलाम साहब का फोर्स का सूत्र है। कहाँ यूज होता है? दो आवेशों के बीच। अगर दो आवेश हैं स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच ये फोर्स जनरेट होता है। मान लिया जाए कि एक आवेश क्यू वन है, दूसरा आवेश क्यू टू है, इनके बीच की कुछ दूरी है, इनके बीच की दूरी आर है, तो इनके बीच में फोर्स जनरेट होता है क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। अब इस फोर्स को थोड़ा सा मैं फॉर्मूले से आपको बता दूं, अगर इनके बीच की दूरी को हम घटाते हैं, कम करते हैं, तो फोर्स का मान बढ़ जाता है। चूंकि दूरी नीचे है और एफ और आर में इनवर्स प्रोपोर्शन है, विलोम संबंध है, तो अगर आर को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान घटेगा, आर को घटाएंगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा। तो दो आवेश अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ये फोर्स कम होता है, नज़दीक आते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है ये बढ़ता है। तो यही कहानी यहाँ न्यूक्लियर फोर्स में भी होती है। न्यूक्लियर फोर्स के लिए जरूरी है कि ये जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के लिए 10^-15 मीटर रेंज होता है, और दुर्बल न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिसको हम लोग दुर्बल वीक फोर्स की बात करते हैं उसका रेंज 10^-16 मीटर होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्स कब कार्य करेंगे, इन फोर्सों की एक सीमा भी है, एक लिमिट भी है। ऐसा नहीं है वो फोर्स हमेशा काम करेगा। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, तो ग्रेविटेशन फोर्स की कोई सीमा नहीं है। अनंत दूरी पर अगर दो वस्तुएं स्थित हैं तो भी ये काम करता है ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि इसको न्यूटन साहब ने बनाया था। न्यूटन साहब ने इस नियम को नाम भी बदला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर दो मास एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो तो फोर्स लगेगा। न्यूटन साहब ने कहा अनंत दूरी पर, यानी इस दूरी की कोई सीमा नहीं है। अगर वो एक मीटर की दूरी पर है तब भी फोर्स लगेगा, दो मीटर की दूरी पर है तब भी फोर्स लगेगा, तीन मीटर की दूरी पर है तब भी फोर्स लगेगा, और एक इंडिया में हो, एक नेपाल में हो, एक अमेरिका में हो तब भी फोर्स लगेगा। कहने का मतलब है दो पिंडों के बीच की दूरी चाहे कितनी भी हो, अनंत क्यों ना दूरी हो, फोर्स जरूर लगेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो रेंज था वो इनफाइनाइट रेंज है। अब बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, इसका भी रेंज इनफाइनाइट है, अनंत रेंज। दो आवेश कितनी दूरी पर रखे फोर्स लगेगा, दूरी की कोई सीमा। इसके बाद हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इसका भी रेंज अनंत होता है, इसका भी रेंज इनफाइनाइट है। यानी दो वस्तुएं हैं अगर अनंत दूरी पर स्थित हों तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अनंत दूरी पर वस्तु स्थित है वहाँ भी काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स वहाँ भी काम करेगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें, तो न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये काम करता है न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच में। ये फोर्स जो है बहुत शक्तिशाली फोर्स होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ नाभिक के अंदर काम करता है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसी का नाम है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, नाभिक के बाहर प्रोटॉन को निकलने नहीं देता है। ये इसका रेंज होता है 10^-15 मीटर। चूंकि हम लोग जानते हैं
कि नाभिक का जो व्यास होता है, जो नाभिक के जो डायमेंशंस हैं, वो 10^-15 मीटर की कोटि में ही होते हैं। तो इस फोर्स के लिए एक सीमा भी है, ये जब भी काम करेगा तो जब दो कणों के बीच की दूरी 10^-15 मीटर के रेंज में होगी तभी काम करेगा। इसी तरह हमारा वीक फोर्स है, वीक फोर्स भी नाभिक के अंदर ही कार्य करता है। इसका रेंज है 10^-16 मीटर, 10^-16 मीटर। ये 10 जब दो कण 10^-16 मीटर की दूरी पर होते हैं तो ये वीक फोर्स काम करता है। ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियर फोर्स ही है, लेकिन इसकी तुलना में एक कम शक्तिशाली होता है। अब देखिए इसका रेंज हम लोग जान लिए, ये अनंत दूरी पर दो कणों के बीच रहेगा अनंत दूरी तब भी काम करेगा, ये भी अनंत दूरी पर दो कण रहेगा तब भी काम करेगा, लेकिन ये अनंत दूरी पर नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर कहानी होती है, इसलिए दूरी 10^-15 मीटर पर ही स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जबकि ये 10^-16 मीटर के रेंज में वीक फोर्स काम करता है। ये फोर्स नाभिक के अंदर लगता है, और इसमें कहानी है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते हैं, ऐसी दशा में ये वीक फोर्स कार्य करता है। तो हम लोग इसका रेंज जान लिए, कहाँ कहाँ काम करता है इसकी सीमा जान लिए। अब थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी कर लिया जाए। सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर फोर्स होता है, इससे कम इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इससे छोटा वीक फोर्स होता है, सबसे दुर्बल बल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे कम होता है। तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे शक्तिशाली है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स हम 1 न्यूटन माने, इसका 10^-39 गुना 10^-39 गुना ये होता है न्यूक्लियर फोर्स, और इससे थोड़ा सा कम हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10^37 टाइम्स, और वीक फोर्स होता है 10^26 टाइम्स। तो सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर फोर्स है, इससे कम शक्तिशाली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इससे कम शक्तिशाली वीक फोर्स, और सबसे कम प्रभाव बल, सबसे कम जो बल लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्बल बल है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो हम लोग प्रकृति में बल कितने होते हैं, बल किस दशा में यूज होते हैं, बलों में तुलनात्मक अध्ययन हमने कर लिया। एक इस बात को आप याद रखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स से छोटा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक छोटा वी, सबसे छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं मूल बलों के एकीकरण की ओर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे फंडामेंटल फोर्स जिस चार प्रकार के हैं जिनको हमने पढ़ लिया, ये सभी एक रूप में है। नाम से तो अलग अलग है, ये कोई दूसरा फोर्स है, कोई दूसरा फोर्स है, कोई तीसरा फोर्स है, कोई चौथा फोर्स है, लेकिन वैज्ञानिक इन बलों को एक रूप में किसी एक बल में इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। और आइए उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। आपने न्यूटन साहब की कहानी सुना होगा कि न्यूटन साहब जो है बागीचे में थे, सेब के बागीचे में, वहाँ एक सेब गिरा और वहीं से वो सोचना शुरू किए कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। वहीं से सोचते सोचते उन्होंने अपना नियम बनाया, तमाम रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हर दो पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर उसमें मास है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो सेव पृथ्वी के कान के बीच कहानी हो, चाहे दो पेन की कहानी हो, चाहे दो बॉडी की कहानी हो, चाहे पृथ्वी और सूर्य के बीच ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह सब एक दूसरे पर मास के कारण फोर्स अट्रैक्शन फोर्स यूज करते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े असर पर इन्होंने कह दिया कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स जो है शामिल है। फिर ऑर्स्टेड साहब की कहानी आप जानते हैं, फैराडे की कहानी जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़े। ऑर्स्टेड साहब क्या किए थे, ऑर्स्टेड साहब ये पता लगाए थे कि जब भी कोई किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात तार जो है चुंबक बन जाता है। ये ऑर्स्टेड साहब का प्रयोग था। इन्होंने क्या किया, एक तार लिया और एक बैटरी लगाया तार में और एक चुंबकीय सुई लिया, और तार में जब करंट फ्लो हुई तो चुंबकीय सुई को उन्होंने भिन्न भिन्न पोजीशन पर तार के नीचे ऊपर दाएं बाएं करंट का डायरेक्शन चेंज किए, तो उन्होंने देखा कि जो कंपास निडिल है, जो चुंबकीय सुई है, उसमें विभिन्न
एंगल से डिफ्लेक्शन मिल रहा, विक्षेपण मिल रहा, सुई जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तार एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, चुंबक की बात व्यवहार करता है, अर्थात वो चुंबक के रूप में कार्य करता है। तो इन्होंने एक चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया, इसी प्रभाव को इन्होंने कहा धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक उसी तरह फैराडे साहब आए और फैराडे साहब ने क्या किया कि चुंबक को लिया, एक क्वाइल को लिया और चुंबक और क्वाइल के बीच एक रिलेटिव मोशन कराया। रिलेटिव मोशन कराने के दौरान यह देखा कि अगर क्वाइल में कोई एमीटर लगा देते हैं तो एमीटर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इनका कहना यह था कि अगर चुंबक को हम मोशन कराते हैं तो हमको करंट मिलता है। तो इन दोनों पहले इन दोनों नियम अलग अलग माने जाते थे, विद्युत की घटना चुंबक की घटना अलग अलग मानी जाती थी। बाद में इन लोगों ने कहा कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे के पूरक हैं, जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहीं मैग्नेटिक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है वहीं चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहीं विद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर चुंबकीय बल उत्पन्न होगा वहाँ विद्युत बल भी लगेगा, जहाँ विद्युत बल उत्पन्न होगा वहाँ चुंबकीय बल भी लगेगा। धीरे धीरे इसको आप लोग सीखेंगे, एक एक करके जब चैप्टर आएगा वहाँ बताया जाएगा सब कहानी। तो इन्होंने विद्युत बल और चुंबकीय बल को भी एक रूप में बना दिया, एक तीसरा नाम दे दिया विद्युत चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अब आइए तीसरी बात करें, एक वैज्ञानिक थे, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक का लिया जाए इनको, उनका नाम था मैक्सवेल। ये बहुत बड़ा खोज किए और इन्होंने प्रकाश को भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रूफ कर दिया। इन्होंने तमाम अपना नियम कानून बनाया और आगे चल करके ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे दैनिक यूज में है, फिजिक्स में इसकी चर्चाएं हैं। इन्होंने अपना तीन चार इक्वेशन बनाए थे, उसके आधार पर प्रूफ किए थे कि प्रकाश जो है, प्रकाश का जो गमन होता है स्पेस में वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश स्पेस में आगे बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जब चलता है तो वहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग जब तक जनरेट नहीं होंगी, जब तक पास नहीं करेंगे तब तक प्रकाश चलेगा नहीं। प्रकाश को इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगें मान लिया। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के मानने के पीछे क्या हम कहेंगे, हम कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। जब भी प्रकाश आगे बढ़ता है किसी माध्यम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, उसी आधार पर प्रकाश आगे बढ़ता है। तो देखिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय बलों के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, या हम बल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होते हैं, तभी चलती हैं। आगे देखिए सैडन ग्लासो अब्दुल सलाम नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दुर्बल नाभिकीय बल को विद्युत चुंबकीय बलों के रूप में बताया। दुर्बल नाभिकीय बल जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इस दुर्बल नाभिकीय बल को विद्युत चुंबकीय बल के रूप में इन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल एक दूसरे के रूप हैं, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक दूसरे से संबद्ध किया जा सकता है। और इन दोनों बलों को इन वैज्ञानिकों ने संबद्ध करके एकीकरण करके एक नया नाम दिया, जिसको हम लोग विद्युत दुर्बल बल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे की ओर वर्तमान समय में अभी ये कहानी चल रही है, कहानी पूरी नहीं हुई है, और ऐसा वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि जो विद्युत दुर्बल बल है जो यहाँ हम लोग चर्चा किए हैं, और प्रबल नाभिकीय बल ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, इन दोनों को भी आपस में संयुक्त कर दिया जाए। लेकिन अभी इसकी कहानी पूरी नहीं हुई है, इस पर वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कि इसमें एक रिलेशन लगा करके इन दोनों को भी यूनिफाई कर दिया जाए, लेकिन अभी इस पर सफलता मिल नहीं पाई है। तो ये रहा जो हम लोग अध्ययन किए हैं कि मूल बलों को ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे चार फंडामेंटल फोर्स हैं उन सभी फोर्सों को एक नाम से जाना जाए, एक रूप में जाना जाए। ये हमारा है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद पांचवा जो हमारा आइटम है भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, जो फिजिक्स के लॉ हैं उनका नेचर क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी फिजिक्स में क्या हम अध्ययन करते हैं, नियमों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, नियमों का प्रकृति क्या है, नियम कैसे चलते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए, भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक होते हैं,
जितना फिजिक्स के जो लॉज हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि वो हर जगह लागू होते हैं, चाहे आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं उपस्थित रहिए, हर जगह फिजिक्स का नियम लगेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में लगेगा तो अमेरिका में नहीं लगेगा, जमीन पर लगेगा तो आसमान में नहीं लगेगा। फिजिक्स के नियम हर जगह लागू होते हैं। इसको कहते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है, यानी फिजिक्स के जो लॉज हैं उनका नेचर क्या है। उनका नेचर ये है कि ये सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब हर जगह सही पाए जाते हैं, इसको सार्वत्रिक कहते हैं। विभिन्न प्रसंगों में लागू होते हैं, मतलब कहीं भी इसको हम लागू कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में लागू होते हैं। और इन नियमों को हम समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसी भी इक्वेशन के माध्यम से। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई इक्वेशन यूज करते हैं, कोई सूत्र बनाते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, तो ये समीकरण द्वारा निरूपित भी किए जाते हैं। तो इसको समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित भी करते हैं। और जनरली समीकरण में दो या दो से अधिक भौतिक राशियां होती हैं, शामिल होती हैं। साथ ही साथ ये समय के साथ परिवर्तनशील भी होते हैं और अपरिवर्तनशील भी होते हैं। समय के साथ बदल भी जाते हैं, नहीं भी बदलते। जो परिवर्तनशील होते हैं उनको उन पर असंरक्षण का नियम लागू होता है। एक्चुअली असंरक्षण का नियम ऐसा कहीं स्टेट नहीं किया गया है। जो अपरिवर्तनशील होते हैं, जो बदलने वाले नहीं होते हैं, उन राशियों को फिजिक्स में वो जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं, संरक्षित राशि कहते हैं। और उन राशियों पर एक नियम लगता है जिसको संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स में दो तरह की राशियाँ होती हैं, एक परिवर्तनशील होती हैं, एक अचर होती हैं, परिवर्तनशील नहीं होती हैं। जो परिवर्तनशील नहीं होती है, अचर होती है, उसको कंजर्व क्वांटिटी, संरक्षित राशि, तथा जो नियम उस पर लागू होता है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण का नियम कहते हैं। अब संरक्षण के नियम में कौन कौन सी भौतिक राशि है वो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो है। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। पांचवा है आवेश संरक्षण का नियम। इसका मतलब ये हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी आपने पढ़ा भी होगा, मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत दो तरह की एनर्जी आती है, एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। तो हम लोग प्रूफ भी किए लॉ ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन, जब भी कोई बॉडी ऊपर से गिरती है तो गिरने की दशा में हर पॉइंट्स पर उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम होता है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे जमीन पर आती है तो पथ के हर बिंदु पर ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते ही हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम में बताया गया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसको विनाश किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब, अगर पूरे ब्रह्मांड में 100 जूल की एनर्जी मौजूद है तो 100 जूल हमेशा रहेगा, वो किसी न किसी रूप में ट्रांसफर हो सकता है, कम ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो कम होगा तो किसी दूसरे रूप में वो उभर के सामने आएगा, किसी दूसरे रूप में वो चेंज हो जाता है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण, जिसको लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन हम लोग बोलते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सब बताया जाएगा। इसी तरह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। कोणीय संवेग में जब कोई वस्तु जो है कोणीय वेग से ओमेगा से मूव करती है, उस दौरान जो उसका कोणीय संवेग होता है वो कंजर्व होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से जब हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट में 12वीं क्लास में, तो आवेश संरक्षण का नियम भी हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो भी चार्ज होता है, जो भी आवेश होता है, वो स्थिर रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। अगर इस समय
सौ कुलाम आवेश है तो हमेशा पूरे ब्रह्मांड में सौ कुलाम आवेश ही मौजूद होगा, ना तो कभी वो 99 होगा ना कभी 100 से ज्यादा 101 होगा। तो ये पांच आइटम ऐसे हैं फिजिक्स में इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन ये हमेशा फिक्स रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर चेंज होंगे तो उनका फार्म चेंज होगा, उनकी क्वांटिटी नहीं बदलती है, वो फार्म बदल जाता है। जैसे हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन की जो फूड एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी में ट्रांसफर होती है, तो फूड एनर्जी गायब हो गई, फूड एनर्जी फूड हमने खा लिया, खाने के बाद वो फूड एनर्जी हमारी बॉडी में फिजिकल एनर्जी के रूप में शारीरिक ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। अब 100 जूल की एनर्जी हमने लिया तो वो 100 जूल की एनर्जी गई कहाँ, वो नष्ट नहीं हुई, वो एनर्जी फूड के रूप में हमारे अंदर गई, वो गायब हो गई, लेकिन हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई, हम ताकतवर हो गए, तो एनर्जी कंजर्व होती है। इसी तरह पांच आइटम कंजर्व होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारे भौतिक नियमों की प्रकृति। तो भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है कि जो फिजिक्स के जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो फंडामेंटल लॉज हैं, वो हर जगह लागू होते हैं, हर जगह सही बैठते हैं, कहीं कभी गलत नहीं होते। ये विभिन्न क्रियाकलापों में विभिन्न प्रसंगों में लागू होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में लागू होते हैं। इनको हम समीकरण के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं। जनरली समीकरण में दो या दो से अधिक राशियां हो सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशि होती है जो परिवर्तनशील होती है, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो परिवर्तनशील नहीं होती हैं। जो परिवर्तनशील नहीं होती हैं उसको हम लोग संरक्षित राशि कहते हैं, और ऐसी राशियों पर जो नियम लागू होता है उसको संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इस तरह की कौन कौन सी राशियाँ हैं जो परिवर्तनशील नहीं है और वो कौन कौन से नियम है संरक्षण के, वो हमने यहाँ आपको लिख दिया, आपको बता दिया। उसके बाद ये पांचवा नियम हम लोगों का खत्म हो गया, पांचवा जो हेडिंग है इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज, यानी फिजिक्स से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी प्रोडक्शंस हैं, जो भी आउटपुट हमको मिल रहे हैं उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, ये हम लोग खूब जानते हैं, खूब अच्छी तरह से हमको मालूम है। आइए कुछ नियमों को हम लोग देख भी लेते हैं। भौतिकी प्रौद्योगिकी व समाज, तो भौतिकी के नियमों का प्रयोग करके अनेक यंत्रों का प्रयोग, सामाजिक संबंध, उत्पादन सुविधा में वृद्धि की गई है। इस बात को हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के जो लॉज हैं उनका अध्ययन करके उनके आधार पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर तमाम सारे फैक्ट्रीज स्थापित किए गए, उसमें उत्पादन बढ़ाया गया, वो उत्पादन आज हमारे काम आ रहा है, चाहे वो मोबाइल के रूप में, चाहे टेक्सटाइल के रूप में, पोशाक के रूप में, किसी भी रूप में वो हमको मिल रहा है। तमाम सामाजिक संबंधों में सुधार आए हैं, उत्पादन में वृद्धि हुई है, सुविधाओं में वृद्धि हुई है, अनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ है, जो हम लोग मैनुअली काम करते थे आज सारे काम मशीन से हो रहे हैं, ये फिजिक्स की देन है। अब आइए व्यवस्था संरचना में परिवर्तन। हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, पहले हम लोग टूटे फूटे छप्परों में रहते थे, आज हम अच्छे मकान में लिंटर्ड कमरों में रहते हैं, ये हमारे संरचना में परिवर्तन आया है, हमारे व्यवस्था में परिवर्तन आया है। इसका कुछ एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जैसे न्यूटन साहब को जानते हैं, क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, अभी मैं डिस्कस भी किया हूँ ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। ग्रेविटेशनल लॉ को अध्ययन करके, फिजिक्स का नियम है ग्रेविटेशनल लॉ, इसका अध्ययन करके आज हम संभव हो पाए हैं कि हम अंतरिक्ष में अपने यान को भेज रहे हैं। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला हमारा जो है वो संचार उपग्रह है, सेटेलाइट हमारा, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, और कम्युनिकेशन सेटेलाइट के माध्यम से आज आप तुरंत जान सकते हैं कि बारिश की संभावना कितनी है, कितने प्रतिशत संभावना बारिश होने की, कितने प्रतिशत नहीं है, कब आंधी आने वाला है, कब तूफान आने वाला है, वो सब कम्युनिकेशन सेटेलाइट के माध्यम से संभव हुआ है। लेकिन वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट हम किस आधार पर बनाए हैं, ला ग्रेविटेशन के आधार पर, न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर तमाम कम्युनिकेशन सेटेलाइट, स्पेस सेटेलाइट हम लोग तमाम बनाए हैं। अगला है ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत है, जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत। ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत के द्वारा हम लोग ऊष्मा इंजन का निर्माण किए हैं, जो भी आपके इंजन चलते हैं खेतों में, पंपिंग सेट हुआ, जनरेटर हुआ, ये सारा ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है।
इसके आधार पर हम लोग उसमें इंजन बनाए हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग घरों में फ्रिज भी कहते हैं उसका भी आविष्कार किया गया है। उसके बाद ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत, अभी हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम देखे हैं, इसका बड़ी सिंपल एग्जाम्पल आपने क्लास टेंथ में पढ़ा भी है, आप पढ़े होंगे पवन चक्की, पवन चक्की क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा। पवन चक्की में क्या होता है कि एक चक्की होती है, उस पर ब्लेड बने होते हैं ऐसे, और इस पर हवाएं आती हैं, हवाएं इस पर टकराती हैं, जब इस पर टकराता है तो चक्की चलने लगती है, ऐसे रोटेट करने लगती है, यानी हमको एयर एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी इसको बोलते हैं, विंड एनर्जी। ये विंड एनर्जी हमारा हवा से हमको प्राकृतिक रूप से मिलती है, फिर हम इस टरबाइन को मूव कराते हैं, टरबाइन घूमने लगती है, और घूम करके हमको यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो हमने इसको दिया विंड एनर्जी, हमको क्या डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत द्वारा संभव हो पाएगा। इसी तरह हम लोग इसको जो भाखड़ा नंगा बाग तमाम डैम बनाए जाते हैं, इस पर ऐसे टरबाइन होता है, इस पर पानी की धारा गिराई जाती है, जल धारा, ये जल धाराएं गिरती हैं, और जब जल धाराएं गिरती हैं तो ये टरबाइन अपने आप मूव करने लगता है, और ये जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो हमने क्या देखा कि जल ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया, ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत द्वारा। जल ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा, विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना किए हैं, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना की गई है। फिर आप देखिए प्रकाशिकी के सिद्धांत द्वारा, जो हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के नियमों सिद्धांतों के माध्यम से, अपवर्तन परावर्तन तमाम तरह के नियम के माध्यम से, हमारा जो आँख में लेंस लगा है एक प्रकाश के सिद्धांतों द्वारा है, हम लोग सूक्ष्मदर्शी की रचना किए, दूरदर्शी की रचना किए, तो तमाम चीज़ें फिजिक्स के प्रकाश के सिद्धांत के द्वारा, प्रकाशी केंद्रों, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरे जो आज लगे हुए हैं उनकी रचना हो पाई है। फिर आइए मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें, तो मॉडर्न फिजिक्स में मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मेडिकल साइंस में आप देखें एक्सरे हमारा मॉडर्न फिजिक्स की देन है, एक्सरे की रचना हुई है जिसके माध्यम से हम अपने अंदरूनी जो भी टूटी फूटी हड्डियों में जो टूट फूट होता है उसको हम जान लेते हैं। फिर अगला आइटम है रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी ब्रैंकुलर ने किया था, और इसके माध्यम से हम लोग रेडियोएक्टिविटी के माध्यम से तमाम रोगों का निदान किया जाता है, रेस के माध्यम से तमाम जो है रोगों के बारे में जानकारी की जाती है, इससे रेडियोएक्टिविटी से ही हमारे आइसोटोप्स की खोज हुई है। फिर आइए अगला आइटम है इलेक्ट्रॉनिकी के सिद्धांत के माध्यम से आज कंप्यूटर बन गए, लैपटॉप बन गए, तमाम सारे कैलकुलेटर बन गए, जिसका हम अपनी सुख सुविधाओं में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत कम टाइम में हम लोग बड़ी इजीली कर लेते हैं। ये सब हमारे फिजिक्स के लॉज की देन है। तो ये फिजिक्स के लॉज की प्रक्रिया, ये भौतिकी प्रौद्योगिकी और समाज, अब देख रहे हैं कि फिजिक्स के माध्यम से हमारा समाज कितना बदल गया, और फिजिक्स की देन है कि एक मिनट में हम यहाँ से भगवान के पास भी जा सकते हैं। तो फिजिक्स ने हमारे साथ बहुत सारे सुविधाओं को दिया है, और बहुत सारे उसके मिसयूजेज भी हैं, उनको यूज करने की सही ढंग से ज़रूरत है, उससे हमको लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारा जो चैप्टर है फिजिक्स का प्रथम पार्ट टॉपिक 1 फिजिकल वर्ल्ड की समाप्ति हो गई। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।